Hello class, myself Gautam Chaudhary, and I am here for you to training for the data science. Today is our basic introduction about data science, and first let me introduce myself. Myself Gautam Chaudhary, and I have 5 years of working experience in the domain, whereas I completed my master's in data science with AI from the University of Exeter in 2022. From that, I work in industry, in several industry as a Python developer and data science engineer. So let's guys, today our topic is introduction of data science. Aaj ke time mein, like a lot of people heard about data science because it's a booming career for a lot of student. But before we move further, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि एक्चुअली में what is the data science? Because if you don't know the basic and what is the data science and what it do, so I don't think we can go further more. तो basic हमारा आज के दिन का जो concept है वो ये है कि हम इन points के बारे में cover करेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं कि data science में actually में आते क्या क्या है. अगर मैं एक बात करूँ तो डेटा साइंस इज द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस वेयर वी कैन यूज बिजनेस डोमेन प्लस मैथ्स एंड स्टैटिक्स विद द हेल्प ऑफ डेटा कंप्यूटर साइंस. सो व्हेन वी कंबाइन थ्री ऑफ देम देन वी नो एज दिस इज द डेटा साइंस. सबसे पहले बात करते हैं कि क्यों जरूरी है बिजनेस एक्सपर्टीज या डोमेन नॉलेज डेटा साइंस के अंदर. एक्चुअली गाइस, जो डेटा साइंस है वो किसी एक फील्ड के अंदर रिलायबल नहीं है आज के टाइम में. वी कैन सी कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री से लेके फैशन इंडस्ट्री, ई कॉमर्स वेबसाइट, इवन दो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में भी डेटा साइंस यूज़ में आता है. जब हम क्या करते हैं कि डेटा साइंस को और मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक को मर्ज कर देते हैं, सो दैट थिंग नोन एज डेटा एनालिटिक्स. यानी क्या होता है कि मान लो कि आपके पास में एक बिजनेस का आइडिया है कि एक बिजनेस कैसे रन होता है, और आपके साथ में कुछ प्रीवियस डेटा भी है, और उसके अंदर आप मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक अप्लाई करके कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करवाते हैं. फॉर एन एग्जांपल, यू गेट कि जो मेरे डेटा की जो सेल है वो पर मंथ इस अकॉर्डिंग चल रही है, या ग्रोथ हो रहा है, या इंक्रीज हो रहा है, तो उस डोमेन को अपन बोलते हैं डेटा एनालिटिक्स. जब अपन बिजनेस और डोमेन एक्सपर्टीज को कंप्यूटर साइंस या किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ में मर्ज कर देते हैं, इसे अपन बोलते हैं ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर, जैसे शैप हो गया, कुछ बेसिक और सॉफ्टवेयर्स हो गए. उनसे क्या होता है कि हमारे, मान लो कि मेरे एक डोमेन है जिसके अंदर मेरी एक्सपर्टीज है, मैंने अपने डोमेन के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक सॉफ्टवेयर क्रिएट कर दिया या एक वेबसाइट क्रिएट कर दी. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप देखोगे कभी तो ई कॉमर्स की वेबसाइट का एक प्लेट जो वेबसाइट है उनका वे ऑफ वर्किंग कम्प्लीटली डिफरेंट होता है किसी एक नॉर्मल न्यूज़ वेबसाइट या फिर इंफोग्राफिक वेबसाइट से. जब अपन क्या करते हैं, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस को मर्ज कर देते हैं, देन इट्स नोन एज मशीन लर्निंग. सो बहुत से लोगों को ये पता नहीं होगा कि लाइक मशीन लर्निंग एक्चुअली में क्या होती है, तो लेट मी क्लैरिफाई. तो मशीन लर्निंग इज़ the branch of computer science where we build an algorithm and a system that can learn by itself with the help of previous data. For an example, जैसे मैंने क्या किया कि मुझे एक recommendation system बनाना है, तो recommendation system के लिए मैं क्या करूँगा, जो मेरे पास में पुराना data है जिसमें मुझे ये बताया है कि इस user ने ये purchase किया है, या जो users laptop purchase करते हैं वो laptop के साथ साथ में keyboard या फिर mouse या फिर एंटीवायरस, ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग वो क्या करते हैं, साथ में परचेज करते हैं. तो जब हम रिकमेंडेशन सिस्टम बनाएंगे तो वो क्या करेगा कि फॉर एन एग्जांपल, एक कस्टमर आया और उसने लैपटॉप परचेज किया. अब अगर कोई नॉर्मल पर्सन लैपटॉप परचेज करता है तो वो लैपटॉप के रिलेवेंट जो भी चीज प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हीं को क्या करेगा, वो चाहेगा कि वो रिकमेंडेशन में आए, ताकि क्या हो कि वो यूज़र उस चीज़ को परचेज कर सके. फॉर एन एग्जांपल, आपने लैपटॉप लिया, तो ऐसा तो नहीं होगा आप लैपटॉप के साथ में सॉक्स खरीद रहे हो या फिर कुछ और खरीद रहे हो या फिर शर्ट या कपड़े, ऐसा तो नहीं होगा. बट यू रिकमेंडेड व्हेन यू गो फॉर बाय अ लैपटॉप, जनरली आप क्या परचेज करते हो, लाइक कीबोर्ड,
और माउस और लैपटॉप बैग, और एल्स वी कैन से अ प्रिंटर, अपार्ट फ्रॉम दैट वी कैन से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर. सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर नोन एज दीज, लाइक अगर मैंने लैपटॉप को परचेज में लिस्ट में डाला तो जो मेरी रिकमेंडेशन सिस्टम है वो उसी अकॉर्डिंग आनी चाहिए. फॉर एन एग्जाम्पल, इफ आई वॉन्ट टू बाई अ शूज, देन आई वॉन्ट अ रिकमेंडेशन थिंग सिमिलर शूज, और आई कैन से सॉक्स, और आई कैन से कि बेस्ट कलर कॉम्बिनेशन पैंट और जीन्स ओवर दिस शूज. तो दीज थिंग्स दे आर सिमिलर टू ईच अदर, सो दैट इज नोन एज रिकमेंडेशन सिस्टम. अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ वी मर्ज ऑल दीज थ्री डोमेन, फॉर एन एग्जाम्पल मैथ्स एंड स्टेटिस्टिक, कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस एंड डोमेन एक्सपर्टीज, दैन दिस इज दैट फील्ड इज नोन एज डेटा साइंस. सो डेटा साइंस में, डेटा साइंस इन बाई इट सेल्फ इज अ वर्सेटाइल फील्ड. सो आई होप सो गाइज कि यू गेट टू नो कि वॉट इज द डेटा साइंस राइट नाउ. नाउ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट, कि जब अपन डेटा साइंस के बारे में बात करते हैं तो वॉट इज द लाइफ, एक्चुअल लाइफ साइकिल ऑफ द डेटा साइंस. सो वी कैन से वी कैन डिवाइड अ डेटा साइंस लाइफ साइकिल इन अ सेवन डिफरेंट पॉइंट्स. द फर्स्ट पॉइंट इज दैट इज नोन एज बिजनेस अंडरस्टैंडिंग. फॉर एन एग्जाम्पल, इफ यू वॉन्ट टू वर्क इन अ सर्टेन फॉर अ प्रोजेक्ट, देन विच इज डिपेंड ऑन द डेटा साइंस, देन यू शुड नो अबाउट द बिजनेस. फॉर एन एग्जाम्पल, इफ आई वॉन्ट टू लाइक क्रिएट एन ए आई एल्गोरिदम विच कैन वर्क ऑन वर्क इन एग्रीकल्चर डोमेन, सो बिफोर वर्किंग ऑन दिस एल्गोरिदम यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ वॉट इज द एग्रीकल्चर, हाउ इट्स वर्क, हाउ वी फीड सीड्स, हाउ वी डू सम बेसिक थिंग्स इन द एग्रीकल्चर. देन सेकेंड, डेटा माइनिंग, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डेटा साइंस, बिकॉज विदाउट द डेटा वी कैन नॉट डू एनी थिंग, नॉट एट ऑल. सो वी नीड डेटा, एंड वी कैन फाइंड द डेटा फ्रॉम वेरियस रिसोर्स, वेरियस लॉजिकल सर्किट, वेरियस सर्वे, वेरियस डिफरेंट डिफरेंट सैटेलाइट इमेजेस. अपार्ट फ्रॉम दैट, द नेक्स्ट और थर्ड पार्ट इज दैट डेटा क्लीनिंग. सो जो हमारे पास में जितना भी डेटा होगा, हम ये नहीं बोल सकते वी आर नॉट 100% श्योर कि वो जो डेटा सेट है वो एकदम क्लीन है. तो हमें क्या करना होगा, हमारे डेटा सेट को क्लीन करना होगा. तो उससे क्या होगा कि जो हम मॉडल प्रेडिक्ट करने वाले हैं उसके अंदर एक्यूरेसी और इम्प्रूव होगी. इसलिए अपन क्या करते हैं कि डेटा क्लीन करते हैं. देन फोर्थ पार्ट इज नोन एज डेटा एक्सप्लोरेशन. डेटा एक्सप्लोरेशन का क्या मतलब होता है, हम ये देखेंगे कि हम डेटा को एक्सप्लोर करेंगे, किस तरह का डेटा है, इससे क्या एडवांटेज हो रहा है, किस जो डिफरेंट डिफरेंट फीचर या डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स हैं उनके बीच में क्या रिलेशन फाइंड आउट हो रहा है, एंड देन वी ट्राई टू डू आर बेस्ट टू फाइंड आउट अ बेस्ट सॉल्यूशन इन द डेटा एक्सप्लोरेशन. देन नेक्स्ट इज फीचर इंजीनियरिंग. नाउ फीचर इंजीनियरिंग का क्या मतलब होता है, जैसे आपके पास में कुछ डेटा है, आप उसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहते हो, जैसे आप अननेसेसरी कॉलम्स हटाना चाहते हो, जैसे आपके पास में कुछ कैटेगरिकल डेटा होगा, फॉर एन एग्जाम्पल जेंडर हो गया, मेल फीमेल, मेल फीमेल, आपको इसको कन्वर्ट करना है न्यूमेरिकल डेटा में, ये सारा काम किसके अंदर होगा, फीचर इंजीनियरिंग के अंदर. और एल्स आई कैन से देर इज़ अ टेक्निक दैट इज़ नोन एज PCA, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, दैट इज़ यूज वैन यू वॉन्ट टू रिड्यूस योर नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ डेटा सेट. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप एक डेटा सेट है जिसके अंदर 100 कॉलम्स हैं, अब अगर आप उसके ऊपर काम करने लगोगे तो इट्स इट विल बी टेक अ लॉट ऑफ टाइम. तो हम क्या करेंगे, उसको यूटिलाइज करें, उसको कम करेंगे टू रिड्यूस द कॉलम नंबर ऑफ साइज. तो वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ नॉर्म PCA. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपके पास में कुछ डेटा है उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट यूनिट के डेटा है, तो उन सबको एक ही यूनिट के अंदर लेके आएंगे, दैट इज़ नोन एज आर स्टैंडर्डाइजेशन. देन वी यूज़ नॉर्मलाइजेशन टेक्निक. सो यह सारे टेक्निक्स अपन किसके अंदर यूज़ में लेंगे, फीचर इंजीनियरिंग के अंदर. देन द नेक्स्ट इज प्रेडिक्टिव मॉडलिंग. इन दिस पार्ट ऑफ डेटा साइंस लाइफ साइकिल वी क्रिएट ए मॉडल, वी फाइंड आउट द एक्यूरेसी ऑफ द मॉडल, वी ट्रेन आर मॉडल, वी चेंज द पैरामीटर, वी ट्यून आर मॉडल, सो दैट वी कैन अचीव अ ग्रेटेस्ट प्रडिक्शन ओवर देयर. द नेक्स्ट पार्ट इज डेटा विजुअलाइजेशन. अब डेटा विजुअलाइजेशन
विजुअलाइजेशन होता है इट्स ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज क्योंकि अगर मान लो कि आपके पास में एक डेटा सेट है, इट्स अ ह्यूज डेटा सेट, सपोज एन एग्जाम्पल एक सिटी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप है ना बेसिक चीज़ें हैं जो आप मैथामेटिकल या लैपटॉप लेके बैठो फिर कैलकुलेशन करो. नो, वी कैन डू इट विद विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर यही जो अगर आप ये डायग्राम देख रहे हो तो इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड यू द पॉइंट्स, सेवन पॉइंट्स. अगर यही पॉइंट अगर मैं एक पैराग्राफ में लिख देता तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड. ओके, सो दिस इज आर डेटा विजुअलाइजेशन. सो गाइज, दिस इज द सेवन स्टेप ऑफ आर डेटा साइंस लाइफ साइकिल. इफ यू टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट पार्ट, सो दैट इज नोन एज आर डेटा साइंस प्रोसेस. देखो, डेटा साइंस के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोसेस अवेलेबल होते हैं. फर्स्ट जो होती है वो स्ट्रेटजी होती है. स्ट्रेटजी का क्या मतलब हो गया, वंस आई गेट द डेटा आई हैव टू मेक अ स्ट्रेटजी एंड आई जस्ट वॉन्ट कि हाउ इट विल बी गोना वर्क ऑन माई डेटा सेट. सो वी हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू स्ट्रेटजी. दैन द सेकेंड वन इज डेटा गैदरिंग. इन डेटा गैदरिंग वी कलेक्ट आर डेटा. एंड द नेक्स्ट वन इज डेटा डिस्कवरी. डिस्कवरी मीन अगेन इट्स अ डेटा फीचर इंजीनियरिंग, डेटा एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस. दीज आर द प्रोसेस वी डू इन द डेटा डिस्कवरी. द नेक्स्ट वन इज मशीन लर्निंग. सो इन मशीन लर्निंग डोमेन वी यूज टू क्रिएट आर मॉडल सो दैट वी कैन प्रेडिक्ट ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रेनिंग. ये सारा काम होगा हमारे मशीन लर्निंग के अंदर. अब जो मशीन लर्निंग है डिवाइडेड फर्दर इन फोर पार्ट. द फर्स्ट वन इज फीचर इंजीनियरिंग, द सेकेंड इज बैलेंस डेटा, देन थर्ड वन इज रन ML मॉडल, देन फोर्थ वन इज एवेल्युएट परफॉर्मेंस. अब इसके अंदर क्या होता है कि फीचर इंजीनियरिंग में अपन डेटा को क्लीन करेंगे, डेटा के अलग अलग फीचर्स को निकालेंगे, फिर हम डेटा को जो बैलेंस है, इट्स मीन हम डेटा को स्टैंडर्डाइज और नॉर्मलाइजेशन टेक्निक के थ्रू डेटा को बैलेंस करेंगे. देन वी डिसाइड कि विच मशीन लर्निंग मॉडल वी शुड यूज इन द आर मॉडल. एंड देन लास्ट इज एवेल्युएट आर परफॉर्मेंस. इन दिस मॉडल वी यूज टू वर्क एंड वी विल फाइंड द प्रेडिक्शन वैल्यू और प्रेडिक्टेड वैल्यू सो दैट वी कैन चेक द एक्यूरेसी ऑफ आर मॉडल, हाउ इट इज़ परफॉर्मिंग. इफ यू सी दैट द एक्यूरेसी ऑफ मॉडल इज नॉट गुड, देन वॉट वी विल डू, वी विल ट्रेन इट अगेन विद द डिफरेंट डेटा. सो दिस इज कॉल्ड मशीन लर्निंग. देन लास्ट जो पार्ट रहता है दैट इज नोन एज फाइन ट्यूनिंग और AB टेस्टिंग. अब इसका क्या मतलब होता है फाइन ट्यूनिंग का, कि जो हमारे पास में मॉडल आया है उस मॉडल के अंदर अगर आपके पैरामीटर को चेंज करके एक्यूरेसी में कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो दैट इज़ नोन एज फाइन ट्यूनिंग. AB टेस्टिंग का क्या मतलब होता है कि जो मेरे पास में एक्यूरेसी आई है, जो मैं उसे डेटा सेट दे रहा हूँ उससे क्या इम्प्रूवमेंट हो रहा है, एक रैंडम डेटा के साथ क्या एक्यूरेसी आ रही है, ये काम सही से कर रहा है या नहीं कर रहा है. ओके, सो दिस इज द बेसिक प्रोसेस ऑफ द डेटा साइंस. और ये सारे प्रोसेस हम अपने अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर करेंगे. नाउ इफ यू टॉक अबाउट आवर रोड मैप ऑफ डेटा साइंस, एज आई फर्स्ट टोल्ड यू कि आप डेटा साइंस इज अ वर्सेटाइल फील्ड जहां आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. यू हैव टू कीप लर्निंग बाय योर ओन सेल्फ. अगर मैं एक रफ एंड टफ आइडिया निकालू, सो वी हैव टू फॉलो 6 स्टेप फॉर आर डेटा साइंस करियर. द फर्स्ट वन इज प्रोग्रामिंग. प्रोग्रामिंग के अंदर वी नो आइदर आई कैन वर्क ऑन पाइथन, आई कैन वर्क ऑन आर, इट्स सिमिलर, देन SQL स्क्रिप्टिंग, कंडीशंस, लिस्ट ऑपरेशन, ओप्स के कंसेप्ट एंड एक्सटर्नल लाइब्रेरीज के साथ में कैसे हैंडल करते हैं, हाउ टू यूज़ सम बेसिक फंडामेंटल एल्गोरिदम्स, अपार्ट फ्रॉम दैट एडवांस प्रोग्रामिंग. सो ये जो सारा काम होगा वो होगा हमारे किसके अंदर, प्रोग्रामिंग पॉइंट्स के अंदर. देन हमें काम करना होता है जो नेक्स्ट पार्ट होता है, दैट इज़ डेटा एक्सट्रैक्शन एंड रैंगलिंग. अब डेटा एक्सट्रैक्शन और रैंगलिंग का क्या मतलब होता है, हमारे डेटा को कलेक्ट करना, डेटा को फॉर्मेट करना. इसके लिए हमारे पास जनरली दो लाइब्रेरीज आती है, जिसमें सबसे पहला है पैंडास एंड द अदर वन इज NumPy. सो इसके अंदर अपन डेटा ट्रांसफॉर्मेशन देखे, जहाँ देयर वेयर वी कैन यूज जॉइनिंग, स्लाइसिंग एंड इंडेक्सिंग, एंड वी विल लर्न हाउ टू हैंडल द मिसिंग डेटा, विच काइंड ऑफ टेक्निक वी हैव टू परफॉर्म टू हैंडल मिसिंग डेटा.
थर्ड वन इज कॉल्ड EDA, बिजनेस एक्यूमेन एंड स्टोरी टेलिंग. गाइस, स्टोरी टेलिंग एंड बिजनेस एक्यूमेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डेटा साइंस एज वेल. अब EDA जिसको अपन बोल सकते हैं एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस. अब इसके अंदर जनरली कुछ प्रोफाइल होती है जो हम यूज़ में लेते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल डेटा एनालिटिक्स, जो डेटा एनालिटिक्स होते हैं दे हैव कोर कॉम्पिटेंसी इन दीज फील्ड. द फर्स्ट वन एंड बिजनेस एनालिटिक्स, मार्केटिंग एनालिटिक्स, डेटा प्रोडक्ट मैनेजर, ये सारे पोस्ट होते हैं किसी भी कंपनीज के अंदर जहाँ अपन अप्लाई कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट हो गया डिफाइनिंग बिजनेस, फोकस ऑन आर क्वेश्चन, स्टडिंग डेटा डिस्ट्रीब्यूशन, आउटलायर्स के बारे में देखना. द नेक्स्ट वन इज यूनिवेरिएंट एंड मल्टीवेरिएंट एनालिसिस. यहाँ पे हम देखेंगे कि अपन डिफरेंट डिफरेंट डेटा के ऊपर कौन कौन से एल्गोरिदम्स बना सकते हैं. द नेक्स्ट वन इज डेटा विजुअलाइजेशन. जनरली हमारे पास जो डेटा विजुअलाइजेशन की लाइब्रेरीज होती है वो होती है मैटप्लॉटलिब, सीबॉन एंड प्लॉटी. और अगर मुझे डैशबोर्ड क्रिएट करना है देन आई हैव टैबलू, एक्सेल एंड जुपिटर. और आई कैन से सम यूजफुल रिपोर्ट्स जो इन्स एंड आउट्स है मेरे डेटा की, वो क्या हो रहा है, मैंने जो प्रोसेस किया है उससे मैं क्या एज्यूम कर पा रहा हूँ. ये सारा अपन काम किसके अंदर देखेंगे, EDA या बिजनेस एक्यूमेन एंड स्टोरी टेलिंग के अंदर. द नेक्स्ट पार्ट इज डेटा इंजीनियरिंग. अगर मैं डेटा इंजीनियरिंग की बात करूँ तो आई हैव थ्री मेन प्रोफाइल्स फॉर डेटा इंजीनियरिंग. द फर्स्ट वन इज डेटा इंजीनियर, डेवऑप्स इंजीनियर एंड डेटा आर्किटेक्ट. अगर मैं इनकी बात करूँ तो यहाँ पे अपन क्या देखेंगे कि एक स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग स्किल्स होनी चाहिए आपके पास में. CLI, हाउ टू वर्क एंड बिल्ड अ CLI, यहाँ पे अपन डिफरेंट डिफरेंट टूल यूज़ में लेंगे. फॉर एन एग्जाम्पल स्पार्क एंड एयरफ्लो. और अगर मैं बात करूँ क्लाउड सर्विस के बारे में तो AWS, एज्योर, और जहाँ पे अपन अपने मशीन लर्निंग के मॉडल को डिप्लॉय कर सकते हैं. द नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज स्टैटिस्टिक एंड मैथमेटिक्स. गाइज, यू कॉन्ट इमेजिन अ फ्यूचर एज अ योर फ्यूचर एज अ डेटा साइंटिस्ट विदाउट मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक. अगर मैं बात करूँ इस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक के बारे में तो मेनली टू प्रोफाइल अवेलेबल है मार्केट के अंदर. फर्स्ट वन इज डेटा साइंटिस्ट एंड द सेकेंड वन इज क्वान्टिटेटिव एनालिसिस. यहाँ पे अपन डिस्क्रिप्टिव मैथमेटिक्स के बारे में देखें, इन्फ्रेशनल मैथमेटिक्स के बारे में देखें. इफ यू टॉक अबाउट डिस्क्रिप्टिव, जहाँ अपन मीन, मीडियन, मॉड, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरियंस, रेंज, दैट वी विल फाइंड इन द डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस. द सेकेंड वन इज इन्फ्रेशनल, वेयर वी कैन डू हाइपोथेसिस एंड AB टेस्टिंग, पी स्क्वायर, पी वैल्यू, देन एक्सपेरिमेंट ऑन द डिज़ाइन, प्रोबेबिलिटी एंड ची स्क्वायर टेस्ट, डेटा सैम्पलिंग, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन, टी टेस्ट, लीनियर एल्जेब्रा, सिंगल एंड मल्टी वेरिएंट कैलकुलस. यहाँ पे अपन डिफरेंट डिफरेंट मैथमेटिक्स के अप्रोचेस यूज़ में लेंगे जिसकी हेल्प से अपन कहीं ना कहीं एरर फाइंडिंग करने के लिए यूटिलाइजेशन करेंगे, कहीं डेटा जो मॉडल है उसको इम्प्रूव करने के लिए यूज़ में लेंगे. एंड लास्ट एंड फॉरमोस्ट इज मशीन लर्निंग. एंड द मेन प्रोफाइल फॉर द मशीन लर्निंग इज ML इंजीनियर and data scientist. The second, the during the machine learning we will learn through the lots of algorithm approaches. The first one is supervised, unsupervised, reinforcement, and with the help of this we will find the classification, how we will do classification, generation, dimensional reduction. If you talk about reinforcement, then we will go to the TF agent, optimizing rewards. If you see the performance matrices, the RSM, accuracy, confusion matrix, and ROC curve, these are the our performing metrics. And then hyperparameter tuning, where we can tune our model with the help of some variables or with parameters, that is known as hyperparameter tuning. The next one is statistic ML, where we can go through the KNN, decision tree, bagging and boosting, and assemble model, where we can see that random forest, voting classifier, and add a boost. So these are our roadmap for the data science, and we will go through each and every point of the given points
ओके एनी क्वेश्चन सो फील फ्री टू आस्क. यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन द इंक्वायरी एट द रेट 3RITechnologies.com एंड ऑल्सो यू कैन कॉल अस आर टीम. ओके गाइज थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे.